इट्स मानसी, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने जो भी मटेरियल लिस्ट आप लोगों के साथ पहले शेयर करी थी, आई होप आप लोगों ने वो सारा मटेरियल रेडी रखा होगा। एंड गाइस, अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका लाइव नहीं देखते हैं बल्कि रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं, बाद में देखते हैं, सो आई एम टेलिंग यू कि आप इसका कोई भी पार्ट जो है वो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इसे स्किप कर दोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं वो आप मिस कर दोगे। सबसे पहले हमें चाहिए इधर मोल्डेड, और मोल्डेड जो है ये पिडिलाइट कंपनी की ईजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे है, मिल जाती है। तो इसमें ये दो तरीके के कुछ ऐसे पैकेट मिलेंगे जब आप इसे ओपन करेंगे, एक होता है हार्डनर और एक होता है रेजिन बेस्ड। तो इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में हमें मिलाना होता है। मैंने पहले से ही मिला के रखा था, इसीलिए मैंने अभी नहीं मिलाया, वरना क्या होता है ये सूख जाता है। इवन जितना हमें चाहिए उतना ही हमें इसे मिलाना चाहिए। मैंने हाफ हाफ दोनों का ले लिया था और इसे मिला लिया अच्छे से। एंड आप इसको मिक्स करते हुए एकदम ध्यान रखना कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना क्या होगा ये जो है वो स्टिफ नहीं बनेगा और इसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। एंड पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने टेबल पे इधर OHP शीट लगा के रखी है। ये क्या होता है, जनरली टेबल पे चिपक जाता है और चिपक के एकदम सूख जाता है, फिर ये ख़राब कर देता है। इसलिए मैंने मटेरियल लिस्ट में भी आप लोगों को बोला था कि OHP शीट जो है वो आप लगा लीजिएगा। तो मैंने टेप की हेल्प से OHP शीट लगा ली है। एंड अब मैं OHP शीट पे ही बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी, ताकि जो मेरी टेबल है वो ख़राब ना हो। तो आप भी जब बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइए। तो मैंने सर्कल बना के इसे अच्छे से फ्लैट कर लेना है। एंड आज हम बनाने वाले हैं कुछ करेक्टर्स। एंड ट्रस्ट मी, आज की जो वर्कशॉप है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए एंड इन्जॉयबल भी। सो इसी तरीके से आप जो है इस, आपको शेप देनी है कुछ इसी तरीके से। एंड ये बिना ग्लू के ही चिपक जाता है, तो आपको ग्लू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मोल्डेड पे मोल्डेड जब आप यूज़ करते हो तो आपको कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही चिपक जाता है। उसमें ऑलरेडी जो है वो ग्लू आता है, तो वो एक दूसरे के बेस को चिपका लेता है। साथ में हमें कोई भी फेविकॉल यूज़ करने की हमें ज़रूरत इधर नहीं है। तो इधर हम बना रहे हैं इसके ईयर्स। एंड आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कोई भी ग्लू इधर अप्लाई नहीं किया है। एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अभी हम इसकी बॉडी भी बनाने वाले हैं। सो आपको जितना जितना मोल्डेड चाहिए उतना उतना ही लेते जाइए एंड इधर यूज़ करते जाइए। सो मैं अच्छे से इसे रोल कर रही हूँ। एंड आप भी इसको इसी तरीके से रोल करिएगा आराम से, हमें कोई भी जल्दी नहीं है। एंड अभी इधर आपको पता चल ही गया होगा कि हम बना क्या रहे हैं। तो एनी गेसेस कि हम क्या बना रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो कि हम क्या बना रहे हैं जल्दी, आई एम वेटिंग। सो मुझे इस तरीके के जो क्ले मॉडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको भी पसंद है क्या? एंड इसको करना इतना ज़्यादा आसान होता है कि इसको आप करने से रोक ही नहीं सकते हो। आपको कंटिन्यूसली इसको करने का मन होता रहेगा एंड आप ऐसे बहुत सारे लेआउट बना सकते हो, क्योंकि इसको बनाना ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये डिफ़िकल्ट है एंड ऑल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर ईजी है एंड इसे बनाना ईजी टू मेक है। सो अभी जो मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ आप इसे फॉलो करके बनाते रहिए साथ में। एंड ये मेरे पास कुछ क्ले मॉडलिंग के ना टूल्स रखे हुए हैं, बट येस अगर आपके पास ऐसे कोई टूल नहीं है तो आप परेशान मत हो, ये आप ये सब जो डिज़ाइन है हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है उससे भी हम दे सकते हैं। बेसिकली मैं लाइन का इफ़ेक्ट इधर डाल रही हूँ, सो आप जो है ये स्केल से भी डाल सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। स्केल हो गया, हेयर क्लिप हो गया, या कुछ भी इस तरीके का जो मटेरियल है उससे हम डाल सकते हैं। एंड इधर होल करने के लिए जो है हमें कोई भी गोल चीज़ जो है हम इधर यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल का पीछे का बेस भी हम जो है इधर यूज़ कर सकते हैं। सो येस वी हैव टू मच सब्स्टिट्यूट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है हम कैसे करें, राइट? सो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं अच्छे से क्ले को मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
एंड अभी ये देखिए आप कितने अच्छे से शेप आ पा रही है, मिक्स हो पा रही है। बट अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मिक्स करके रख देते हैं, इवन अगर हम इसे 10 मिनट्स के लिए भी अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो ये इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है कि आप इसे दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते। इट विल कन्वर्ट इन अ स्टोन। एंड इस OHP शीट पे कुछ भी ना चिपके, इसीलिए मैं टेलकम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई सा भी पाउडर आपके घर में जो हो वो आप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं भी है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, किसी भी OHP शीट पे रख के या किसी भी पॉलीथिन पे रख के। वरना क्या होगा, ये नीचे वाले बेस पे चिपक जाएगा और फिर इसे छुड़ाना इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाएगा हमारे लिए। सो आप इसे ध्यान से इसी तरीके से बनाइएगा। तो अभी मैं हाथ के प्रेशर से बस इसे कुछ इसी तरीके का शेप दे रही हूँ, एकदम लाइट प्रेशर। एंड मोल्डेड को यूज़ करना, इट्स अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये टूटता भी नहीं है, इससे कुछ भी अगर हम बनाते हैं तो बहुत जल्दी और क्विक बनता है और स्टिफ भी हो जाता है। दैट्स वाई आई प्रेफर ऑलवेज मोल्डेड। सो इधर मैं रोल करके इधर स्टडी के हैंड बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसके कुछ हैंड जो है वो पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे हो मैंने ग्लू यूज़ नहीं किया है, बस इसको इधर रख दिया है। इसी में ये क्या होगा कि ये चिपक जाएगा एकदम ये। एंड सेम प्रोसेस जो है, मैं स्टडी का दूसरा हाथ बनाने के लिए भी वही प्रोसेस करूँगी। तो देखिए स्टडी के दोनों हैंड्स तो बन गए हैं, लग रहे हैं ना एकदम ब्यूटीफुल, राइट? सो इसी तरीके से आपको भी सेम स्टेप फॉलो करके इसे बनाना है। किस किस को टेडी पसंद है मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो। और आप में से कितने लोगों ने पहले टेडी बनाया है, या आपके पास टेडी भी, मेरी तरह आपके पास भी टेडी है, तो मुझे कमेंट्स करके बता दो। सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो अभी जो है इसका लोअर बेस बनाएंगे, यानी कि अभी हम इसके बनाएंगे लेग्स। तो लेग्स बनाने के लिए बस सिंपली मैंने 2 छोटे छोटे सर्कल्स बना लेने हैं और यहाँ पर पास में इसकी बॉडी से अटैच कर देने हैं, लोअर बॉडी से। तो कुछ इस तरीके से शेप अच्छे से दे लीजिएगा। दोनों सर्कल्स जो हैं, दोनों लेग्स का जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल क्वांटिटी में जो है आप क्ले ले लीजिएगा और उसके बाद में इसे रोल करके साइड में स्टिक कर दीजिएगा। सो किस किस को ये इजी लग रहा है बनाना, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है इसे बनाना। और इवन आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टैडी विद मोल्डेड क्ले। सो अभी इधर सेम प्रोसेस मुझे दोनों लेग्स के साथ फॉलो करना है। एंड देखिए ये बन गए हैं। सो अभी मैं दोबारा से जो है वो लूँगी टूल, एंड टूल से मैं इधर देने वाली हूँ इसको, दोबारा से इसके लेग्स में देने वाली हूँ शेप कुछ इस तरीके से। अगेन आपके पास टूल नहीं है तो मुझे पता ही है, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। आपको बस सिंपल स्केल या कोई भी हेयर क्लिप की हेल्प से ये डिज़ाइन जो है इसमें दे देना है। सो आई होप आपने भी इतना कर ही लिया होगा अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो। सो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्ले टॉय की तरफ। तो मैंने पाउडर लगा लिया है शीट पे, एंड अब मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी क्ले को, ताकि ये चिपके ना। इवन अगर हम पाउडर लगा लेते हैं OHP शीट पे तो ये इससे स्टिक भी नहीं होता है, और हमारी शीट भी ख़राब नहीं होती है, और ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और निकलने में भी टाइम नहीं लगाता है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके पास OHP शीट नहीं है तो आप कोई सी भी पॉलीथीन जो आपके घर में रखी हो वो आप यूज़ कर सकते हो, और उस पे रख के इसे आप इजीली बना सकते हो। तो मैं जस्ट सिंपल इसे शेप दे रही हूँ इधर, एंड अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसे। एंड स्प्रेड करने के बाद मैं इसे OHP शीट पे रख कर इधर शेप दे रही हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से शेप दे रही हूँ धीरे धीरे प्रेस करते हुए। तो आपको भी इसी तरीके से देना है। मैंने बस इसको पहले फ्लैट किया था, एंड फ्लैट करने के बाद मैंने इसे OHP पे रखा है। एंड OHP पे रखने के बाद मैं इसे शेप दे रही हूँ मून का, हाफ मून का। सो आपको भी अच्छे से शेप देना है। आई नो शेप देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिनिशिंग आने में भी, बट येस आप टाइम लेके आराम से करो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत धीरे बना रही हूँ। तो अगर आप यही प्रोसेस मेरे साथ साथ फॉलो करते हो तो आज की वर्कशॉप में हम जितने भी आर्टिकल बनाने वाले हैं वो सारे आप बना पाओगे। सो इस प्रोसेस को मेरे साथ साथ फॉलो अप करते रहिए। एंड हु इज़ एंजॉइंग टुडेज सेशन, जस्ट लेट मी सेंड हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। सो देखिए अभी ये प्रॉपर जो है वो आने लगा है शेप हमारा धीरे धीरे।
सो ये बन गया है हमारा हाफ मून। सो अभी मैं इसको अच्छे से आपको इधर निकाल के दिखा देती हूँ। एंड शेप जो है आराम से अच्छे से नाइसली देना। मैं अभी भी इसे देख सकते होंगे कि आप इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसे इसका जो शेप है वो अभी भी ठीक से नहीं आया है, राइट। सो अभी भी मैं इसे धीरे धीरे प्रेस करती जा रही हूँ ताकि इसका प्रॉपर जो है वो शेप आ जाए। आई होप आप लोगों का जो पहला वाला आर्टिकल है, आई मीन टेडी बियर, वो बन ही गया होगा। सो किस किस का बन गया है एंड आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ बना रहे हैं। सो देखिए हमारा हाफ मून रेडी हो गया है एंड अभी जो है वो मैं थोड़ी सी क्ले निकाल रही हूँ एंड क्ले निकालने के बाद हम इसे रोल एंड रोल एंड रोल करेंगे। सो देखिए अब आप मुझे बताइए कि इस मून पर हम क्या बनाने वाले हैं। ये मून इतना ही रहेगा या हम इसे और बनाने वाले हैं, और बनाने भी वाले हैं तो हम इस मून पर क्या बनाने वाले हैं। कोई मुझे बता सकता है कि हम इस हाफ मून पर भी क्या बनाएंगे। मैं आपको हिंट देती हूँ, डॉग, कैट या फिर अगेन टेडी बियर। सो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो पता तो चल ही गया होगा कि क्या बनाने वाले हैं। ये जो दूसरा वाला शेप है ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया था एंड अभी बस मैंने इसे लगा दिया है। आप देख ही रहे होंगे ये अपोजिट मून ही था छोटा सा। मैंने इसको इसका लेग का शेप दिया है एंड अभी जो है हम बचा हुआ प्रोसेस इसका कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप मेरे साथ इस आर्टिकल को बनाते रहिए ताकि आपका भी कंप्लीट हो जाए। शेप जो है वो आपको प्रॉपर देनी है जैसे कि मैं दे रही हूँ इधर। तो अभी मैं छोटे छोटे सर्कल्स बनाकर इसके ईयर भी बना देंगे हम एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इवन पहले वाला जो हमने आर्टिकल बनाया था वो तो बहुत क्यूट था ही, ये उससे भी ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहा है। देखो ये बनके एकदम रेडी हो गया है। अभी आप जो भी आर्टिकल बना रहे हैं उन्हें बनाने के बाद साइड में रखते जाइए, वो सूख जाएंगे, उसके बाद हम उन पर पेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट वाले में मिलाकर नहीं दिखाया था क्ले को, तो अभी मैंने दोनों क्ले जो था पैकेट में से आधा आधा ले लिया था एंड उसके बाद में इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने मेरे हाथ में थोड़ा सा पाउडर भी लगा लिया है इधर, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि क्ले जो है वो थोड़ा सा हाथ में चिपकने लगता है, तो ये हाथ में ना चिपके और आपके हाथ गंदे ना हों तो आप हाथ में भी हल्का सा पाउडर लगा लीजिए एंड इसे मिक्स बहुत अच्छे से करना है। आप देख ही रहे होंगे कि इसे मिक्स कितने अच्छे से करना पड़ता है और कितनी देर तक करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको भी इसे मिक्स करते जाना है और जब तक ये एक इक्वल एकदम सॉफ्ट डो नहीं बन जाता आपको इसको तब तक मिक्स करना है।
तो देखिए ये एकदम ठीक से मिक्स होने लगा है एंड अब मैं इसे रोल कर रही हूँ, एकदम अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये एक इक्वल डो बन जाए। तो देखिए ये डो बन गया है एंड अब मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट लिया है। और याद रहे मैंने जो दोनों बेसिस थे हमारे, जो दो क्ले निकली थी हमारी, मैंने उन दोनों को हाफ हाफ लेके ही इसे मिक्स किया था। बचा हुआ एज इट इज़ मैंने पैकेट में संभाल के उसे रख दिया है ताकि वो सूखे ना, ड्राई ना हो। तो इसे अच्छे से मैंने एक शेप दे लिया है सर्कल का एंड मैंने OHP पे पाउडर लगाया ही था पहले से, तो ये चिपक नहीं रहा है इसलिए OHP भी मेरी ख़राब नहीं होगी, पाउडर लगा हुआ है इसीलिए। एंड अब भी हम इसे रखकर बेस देंगे अच्छे से। तो देखिए ये, और मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया है ताकि ये जो है वो चिपके नहीं। सो अच्छे से आपको भी इसी तरीके से अपने हैंड की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लेना है इसी तरीके से। एंड उसके बाद में ये जो हमने सर्कल बनाया है इसे शेप देना है एंड शेप जो है वो बिल्कुल हमें प्रॉपर देना है सर्कल का, या आप कोई भी शेप जब देते हो तो उसे रेंडमली बना लीजिए एंड सरफेस पे रखने के बाद आप उसे अच्छे से जो है वो शेप दे लीजिए। तो जो अभी मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड व्हाट आई एम मेकिंग नाउ, गेस करो फटाफट से कि आप जो तीसरा आर्टिकल है वो हम क्या बनाने वाले हैं और पहले दो में से आपको कौन सा वाला अच्छा लगा या आपको दोनों अच्छे लगे, मुझे फटाफट से कॉमेंट करके बता दो। एंड अभी जो मैंने वो दोनों आर्टिकल थे मेरे पहले वाले, वो मैंने उन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया है फ़ैन में, तो जब तक हम ये वाला आर्टिकल बनाएंगे तब तक वो दोनों सूख जाएंगे, उसके बाद में हम पेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना। अगर आपकी क्ले अगर वेट रह जाएगी तो हम उस पर कलर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको फ़ैन में ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्ले बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, तो हमें वो वाला प्रॉब्लम तो आएगा ही नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो ये जब तक हमारा ये वाला आर्टिकल बनेगा तब तक हमारे वो दोनों आर्टिकल सूख चुके होंगे। सो अभी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसको इसकी बॉडी से चिपका दिया है। सो प्रॉपर एक ये पूरी स्ट्रक्चर बन गया है हमारा एंड आगे का प्रोसेस जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा क्ले लेके जो है वो करते जाऊंगी। तो अभी कौन सा आर्टिकल बना रहे हैं हमें एंड अगर कोई गेस कर पा रहा है तो मुझे कमेंट में बता भी दो अभी। सो अभी मैं क्या बना रही हूँ, एनी गेसेस? ये जो मैं प्रोसेस फॉलो अप कर रही हूँ उसमें मैं क्या बना रही हूँ, येस सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने बनाया है इधर हैंड और मैंने इसकी बॉडी से लगा दिया है एंड हमें इसमें कोई भी ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मोल्डेड क्ले है एंड मोल्डेड को मोल्डेड से चिपकाने के लिए हमें कोई भी ग्लू नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए बस मैंने इसको भी इधर ऐसे ही रख दिया है। राइट, तो लग रहा है ना ये एकदम ईजी बनाना। सो आप ये वर्कशॉप इंजॉय कर रहे हो क्या? मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ एंड अभी छोटे छोटे से सर्कल्स हम बनाते जा रहे हैं, डिटेल्स ऐड करते जा रहे हैं। कभी भी जब हम क्ले को यूज़ करते हैं, इनफैक्ट कोई भी, जैसे कि हमने या तो पेपर मैशी हम यूज़ कर रहे हैं या क्ले यूज़ कर रहे हैं या मोल्डेड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसे सूखने का वेट करना देना चाहिए, वरना क्या होता है कि वो सूख नहीं पाती, हम उस पर कलर अप्लाई कर देते हैं फिर वो मॉइस्ट ही रह जाती है अंदर से। तो बेटर है कि आप 5-10 मिनट्स वेट करें, उसे सूखने दें, उसका मॉइस्ट जाने दें, उसके बाद में ही हम उसे कलर अप्लाई करें, वरना हमारे कलर्स में भी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती है और वो लगता भी अनटाइडी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि इसे सूखने दें, इवन जब भी आप कभी ऐसा कोई काम कर रहे हैं उसे लेट इट बी ड्राई, उसके बाद में ही आप जो है उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड जब भी हम मोल्डेड या इस तरीके के जब भी हम आर्टिकल बनाते हैं तो हम उनमें वाटर जो है वो कम ही, मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो डो जो हमारा बन जाता है वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट होता है कि उसे मोल्ड करना, उसे कोई भी शेप देना इतना ज़्यादा ईजी होता है कि हमें वाटर डाइल्यूशन की उसमें ज़रूरत ही बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इसीलिए देखिए कि हमारा हाथ भी गंदा नहीं होता है, इसे बनाना भी आसान होता है, ये अनब्रेकेबल भी होता है, स्टिफ भी रहता है और इजी टू मेक भी होता है। तो है ना इसके कितने सारे बेनिफिट्स एंड आई लव टू यूज़ मोल्डेड। इवन मैंने काफ़ी सारी इसकी ज्वेलरी भी बना के रखी है, अगर आप चाहेंगे
अगर आप मुझे बोलेंगे, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो यस, मैं आपके साथ में ज्वेलरी वीडियोस भी शेयर करूँगी, मैं जल्द ही उन्हें भी अपलोड करूँगी। तो देखिए मेरे तीनों इधर बन गए हैं एंड ईजी थे, ईजी टू मेक थे। एंड अभी जो ये लास्ट वाला जो है हमारा पांडा, ये जो है अभी तक भी हमारा सूखा नहीं है, इसीलिए सबसे लास्ट में इसी पे कलर करेंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर्स यूज़ करने के लिए, एंड एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं फिर प्लास्टिक कलर होते हैं एंड इवन टू वॉशेबल भी होते हैं, और ये हमारे कोई भी आर्टिकल को इतना ज़्यादा शाइनी कर देते हैं, उसमें एकदम जान डाल देते हैं। एंड ये है टेक्सचर वाइट। तो टेक्सचर वाइट या जैसो में से दोनों में से कोई भी आपको एक यूज़ कर लेना है, ताकि मतलब क्या होता है कि हम किसी भी आर्टिकल पे जब कलर लगाते हैं तो वो इतना फिनिशिंग नहीं दे पाता। तो जैसो क्या होता है, एक बेस कलर होता है, तो हम जैसो या फिर टेक्सचर वाइट जब भी हम उस पर लगा देते हैं तो वो क्या करता है, वो एक बेस की तरह काम करता है हमारे कोई भी आर्टिकल पे। तो टेक्सचर वाइट जब भी हम लगाते हैं, हम कोई भी उस पर पानी जो है वो डाइल्यूट, मतलब एक बूंद भी हम उसमें पानी जो है वो डाइल्यूट नहीं करते। इवन जो हम ब्रश यूज़ करते हैं उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर वो गीली है तो आप उसे एकदम कपड़े से ड्राई कर लीजिए, उसके बाद में अप्लाई करिए। तो टेक्सचर वाइट या जैसो हमें इस तरीके से यूज़ करना होता है। अभी कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि टेक्सचर वाइट वाइट ही कलर का है, तो क्या हम वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं? देखो, करने को तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको फिनिशिंग नहीं देगा। टेक्सचर वाइट जो है वो बेसिकली एक बेस क्रीम होती है किसी भी आर्टिकल पे लगाने के लिए, और उसके बाद जब हम कलर करते हैं तो उस पर फिनिशिंग आ जाती है बिल्कुल। जैसे कि हमारे घर में कोई पेंट होता है तो उससे पहले हमारे घर में POP होती है, राइट? सो उसके बाद ही पेंट होता है। सो उसी तरीके से इसका प्रोसेस भी ऐसा ही है, पहले हमें क्रीम लगानी है, उसके बाद में हमें पेंट स्टार्ट करना है। सो मैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए तीनों आर्टिकल पे इधर जो है वो टेक्सचर वाइट लगाने वाली हूँ। एंड याद रहे, टेक्सचर वाइट को लगाने के बाद हमें इसे सूखने का वेट करना है एटलीस्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो टेक्सचर वाइट है वो आराम से सूख जाता है, उसके बाद ही हम इस पर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो तीनों आर्टिकल पे अभी टेक्सचर वाइट हमें अप्लाई करना है। आप मेरे साथ साथ ही करते रहिए। बीइंग अ टाइम, अगर आपके पास टेक्सचर वाइट नहीं है तो यस, अभी हाल फिलहाल में तो आप वाइट पेंट से यानी वाइट एक्रेलिक कलर से काम चला ही सकते हैं।
तो फाइनली इन तीनों आर्टिकल पे मैंने टेक्सचर वाइट अच्छे से लगा दिया है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस में साइड बाय साइड इधर कलर मिक्सिंग का कर रही हूँ। तो इधर मैंने लिया है ब्राउन कलर, एंड ब्राउन कलर में मैं हल्का सा वाइट कलर मिला लूँगी। याद रहे एक्रेलिक कलर्स भी आपको उतने ही लेने हैं जितने आपको यूज़ करने हैं। प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारा कलर निकाल लिया एंड उसके बाद में आप, क्योंकि वो वापस से काम नहीं आएगा, वो सूख जाएगा और वो बहुत सारा आपका जो कलर है वो वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत वन वन या टू टू ड्रॉप लेकर आप कलर बनाइया करें जब भी आपको छोटे आर्टिकल्स में कलर करना हो। इवन जब आपको बड़े आर्टिकल में कलर करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। अभी जब हम किसी भी छोटे आर्टिकल में कलर करते हैं तो हम थोड़ा ही कलर बनाते हैं ताकि जितना हमने यूज़ लेना है वो उतना एट अ टाइम जो है वो पूरा ही एक साथ जो है हमारा यूज़ में आ जाए, राइट? तो देखिए मैंने ब्राउन में वाइट कलर मिला लिया है एंड इसे मिक्स करते वक्त मैंने वाटर डाइल्यूट नहीं किया था, बस मैंने वैट ब्रश ली थी और उससे जो है कलर मिक्स कर लिया था। तो मैं सबसे पहला वाला जो है हमारा आर्टिकल लूँगी और उस पर हम स्टार्ट कर देंगे इधर पेंट करना। तो है ना इसे पेंट करना बिल्कुल आसान। मैंने बहुत बड़ी ब्रश नहीं ली है क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए मैंने इसे करने के लिए ब्रश भी छोटा ही इधर यूज़ किया है। तो अभी ध्यान से हमें इस पे ब्राउन कलर जो है वो अप्लाई करना है। तो जितना ब्राउन कलर हमने करना था हमने इस पे सक्सेसफुली कर दिया है अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ में। एंड अभी जो हमारा ये दूसरा वाला हाफ मून वाला आर्टिकल है मैं इसमें भी यही वाला कलर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। आई मीन ये जो छोटा सा टैडी है इसमें मैं ब्राउन कलर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो ध्यान से करिएगा थिन ब्रश से क्योंकि ये बहुत ही छोटा आर्टिकल है तो फिर इधर उधर पेंट लग जाएगा, इसीलिए आप इसके लिए छोटा यानी कि 0 नंबर या 1 नंबर वाला ब्रश लीजिए इसे पेंट करने के लिए।
तो अभी मुझे चाहिए इधर डार्क ब्राउन कलर, एंड डार्क ब्राउन कलर यूज करके मैं इधर इस टेडी के ईयर्स में कलर करने वाली हूँ। जैसे कि हमारे भी अगर कहीं डेप्थ एरिया होता है तो वहाँ पे हम डार्क ही कलर यूज़ करते हैं, तो इधर मैं जो है वो डार्क ब्राउन कलर्स यूज़ ले रही हूँ इसके ईयर में कलर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इसको बनने के बाद में इतना ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। एंड आई होप आप भी यही वाले कलर्स यूज़ कर रहे होंगे, एंड अगर आप दूसरे कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड डोंट फॉरगॉट टू शेयर मी योर आर्टिकल ऑन Instagram, because I am very excited to see your article and your creativity, because you all are very amazing. So अभी मैं इसके hands में इधर color कर रही हूँ, and same process को follow करते हुए मैं बचे हुए parts में भी धीरे धीरे color करना start करना शुरू कर देंगे हम इधर। तो इतना हो जाने के बाद में मैंने लिया है इधर रेड कलर, जिसे हम क्रिमजन भी बोलते हैं, और उसमें मैंने मिक्स कर लेना है वाइट, बिकॉज़ ये जो हमने टेडीज़ के यहाँ पे बोज बनाए हैं इस पे हम यूज़ करने वाले हैं पिंक कलर, यानी दोनों टेडी जो हैं इनके बो में हम कलर करेंगे पिंक। सो इधर जो है वो मैं इधर दोबारा से थिन ब्रश को यूज़ करके कर रही हूँ पिंक कलर। सो अभी जो है हमें इधर पिंक कलर अप्लाई कर देना है, धीरे धीरे अप्लाई करेंगे हम दोनों ही टेडी के बो में। तो आप भी मेरे साथ साथ करते रहिए। देखिए हमारा जो फर्स्ट टेडी है इसके बो में हो गया है कलर अच्छे से, बट साइड से रह जाता है ये, तो हमें ध्यान से इसे इधर से भी फिनिश करना होगा। आप सिर्फ आगे आगे से मत करके रह जाइएगा कि हमारे जो भी आर्टिकल है उसमें कलर हो गया है, क्योंकि ये हमने आर्टिकल बनाई है 3D में है, तो इसी हमें सारी साइड्स को ध्यान से देखते हुए हमें इस पर कलर ऐड करना होगा। तो अभी मैं सेकेंड टेडी के वो में भी पिंक कलर करना स्टार्ट कर दिया है, एंड इसे भी हमें ध्यान से ही करना होगा, एंड थिन ब्रश को यूज़ करना, 0 नंबर या फिर 1 नंबर ब्रश को यूज़ करना। एंड फिर ब्रश को जो है वो हैंड टू हैंड आपको वॉश कर लेना है या पानी में डाल देना है, वरना मैंने बताया था एक्रेलिक कलर जो है वो जब हमारा ब्रशेस पे रह जाता है तो फिर वो एकदम स्टिफ हो जाता है, थोड़ी ही देर में सूख जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक पेंट होता है और फिर जो हमारी ब्रश होती है वो दोबारा यूज़ करने के लायक में बचती भी नहीं है। तो अभी मैं इधर ले रही हूँ लास्ट आर्टिकल में कलर करने के लिए ब्लैक कलर, एंड ऑब्वियसली वी नो ये पांडा है, तो पांडा में कलर करने के लिए हमें चाहिए होगा ब्लैक एंड वाइट कलर। सो इधर मैंने लिया है ब्लैक। ब्लैक में पहले इसलिए करूँगी क्योंकि वाइट ऑलरेडी हमारा बेस है, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी वाइट ही है। क्या आपने भी अपने पांडा के बेस में वाइट कलर कर लिया है क्या?
तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड आपको इन सब में से कौन सा वाला आर्टिकल आज ज़्यादा बेस्ट लगा, ये मुझे हमारा आज का सेशन फिनिश हो जाने के बाद ज़रूर से मुझे बताइएगा। सो देखिए, मैंने ब्लैक पेन जो है वो ट्रे में निकाल लिया है। सो अभी हम पांडा पे ब्लैक कलर जो है अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन मैं इधर ले रही हूँ थिन ब्रश। सो अभी धीरे धीरे आपको ध्यान से इस पे कलर अप्लाई करना होगा। तो फाइनली हमारा पांडा में जो है वो कलर हो गया है। मैंने वाइट कलर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने इसका बेस जो है ऑलरेडी वाइट था, तो मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज़ किया। तो अभी इसमें
जो भी हमने आर्टिकल बनाया है इनकी जो भी डिटेलिंग्स हैं वो अभी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पांडा की डिटेलिंग्स तो जो है एक स्टेप हमारा हो गया है, तो अभी आप डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए इसे ध्यान से देखते जाइए एंड मेरे साथ साथ में डिटेलिंग्स ऐड करते जाइए। एंड डिटेलिंग्स ऐड करने के बाद इन आर्टिकल में जो जान आने वाली है और ये इतने ब्यूटीफुल लगने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। इवन आप ये जो आर्टिकल, इवन ये जो क्लास है, आप इसको हमेशा याद रखोगे कि वाओ कितने अच्छे आर्टिकल हमने बनाए थे। आई होप आप लोगों को मज़ा आ ही रहा होगा एंड आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो। एंड आप लोग हमेशा सेशंस को लाइक करना भूल जाते हो, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़, हम बहुत मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक इट। एंड अभी ये जो बाकी के जो हमारे आर्टिकल हैं इसमें भी हम डिटेलिंग्स जो हैं वो इसी तरीके से ऐड करते रहेंगे।
सो फाइनली हमारा आर्टिकल बन गया है, लग रहा है ना ये कितना क्यूट, वाओ इट्स रियली वेरी अमेजिंग। सो देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये हमारा आर्टिकल जो है वो एकदम बन गया है। बस पांडा में मैं डॉट लगाना भूल गई, तो अभी हम लगा देते हैं, बहुत ध्यान से लगाना। मैंने इसके लिए सबसे थिन ब्रश ली है 0 नंबर। सो लग रहा है ना हमारा पांडा क्यूट। वैसे आपको इन तीनों में से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है? देखिए पांडा भी एकदम रेडी हो गया है हमारा। एंड लास्ट जो है हमारा ये है छोटा वाला मून टेडी बियर, लग रहा है ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट। एंड इसमें भी मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग जो है वो ऐड करनी रह गई थी, मून में मैंने अभी कलर नहीं किया था, तो फाइनल टच करके इसे हम कलर दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपको फिनिशिंग से इसमें कलर देना है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। तो थिन ब्रश की हेल्प से आपको इस पूरे मून में कलर कर देना है। एंड ये जो कलर है ये येलो में मैंने थोड़ा सा वाइट मिलाया था इस कलर को करने के लिए, एंड लग रहा है ना ये कितना अमेजिंग, ये भी डन हो गया है। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ बुरा लगा है तो वो भी बताना ज़रूर से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम उसे करेक्ट कर सकें। एंड मुझे आप लोगों के साथ वर्कशॉप करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि इन वर्कशॉप को हम आगे भी कंटिन्यू करें। एंड आपका क्या मानना है कि हमें आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं, आप इन्जॉय कर रहे हो या नहीं? क्योंकि मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। एंड येस, आपने जो भी आर्टिकल बनाए हैं उसे मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड पता ही होगा आपको शेयर कहाँ करना है, ऑब्वियसली ऑन इंस्टाग्राम क्राफ्टोपिया अकेडमी पे। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस करते हैं बनाते वक्त तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप में, बाय बाय।